स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एसएससी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का अद्यतन रिपोर्ट फिर से जारी हो चुका है 4 नवंबर को। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे पहले ही आया है। ठीक है, पूरी एनालिसिस में करेंगे इस वीडियो में। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की डेट, लोअर टू एग्जाम का रिजल्ट और लोअर जो अभी रिसेंट हुआ है लोअर पीसीएस का, वो आपकी जो फाइनल आंसर की किस दिन आएगी, वीडियो एग्जाम की डेवी किस महीने में होने वाली, किस डेट को होने, ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा, वो अभी मतलब 1-2 दिन पहले वीडियो में मैंने ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में बताया। सेम वही चीज़ बताया गया है मतलब इनके अद्यतन रिपोर्ट में, क्योंकि सारी डिटेल्स मैंने लेके ही बताई थी। तो चलिए फ्रेंड, सारी अपडेट्स को विद इन 5 मिनट के अंदर पूरा देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी से आपका जो वो जारी किया गया है 4 नवंबर 2019 को, भी शाम को ही जारी किया गया है। तो इसमें बारी बारी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला आप पहला वाला देख लीजिए, आपका 9/2/2016 आबकारी सिपाही का, ठीक है, इसका जो प्रस्तावित कार्रवाई है माह नवंबर 2019 में स्क्रीनिंग परीक्षा जो आपका एग्जाम हुआ था उसका परिणाम संभावित है। तो काफ़ी दिन बाद इसका जो वो है आने वाला है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का वेटेड ये रिजल्ट है। नेक्स्ट है, हम इसमें डिस्कस कर लेंगे 4 वाला का, ठीक है, क्रम संख्या 4 का ट्यूबवेल ऑपरेटर का, ठीक है। तो माह नवंबर के 2019 के प्रथम पक्ष में परसों जो मैंने वीडियो बताया था उसको मैंने यही बताया था कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। सेम वही चीज़ यहाँ में बोला गया है, माह नवंबर का जो प्रथम पक्ष होता है, प्रथम पक्ष का मतलब 15 नवंबर के पहले की डेट में, तो ये अंतिम परिणाम, अंतिम चयन परिणाम संभावित है, ठीक है। गन्या पर्यवेक्षक वाला देख लीजिए, 5 नवंबर एंड माह नवंबर 2019 में लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के परिणाम का प्रकाशन संभावित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये लोअर टू का परीक्षा क्रम संख्या 7 पे, ठीक है, थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा है तो आप ऐसे ही देख लीजिए, मैं बताता चल रहा हूँ आपको। तो क्रम संख्या 7 पे है, तो ये है माह नवंबर 2019 में, ये अभी अक्टूबर में ही होने वाला था, आने वाला था, बट ये थोड़ा लेट हो गया इसमें, ठीक है, कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में आने वाला था ये माह नवंबर 2019 के साक्षात्कार है। तो अर्व अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा का परिणाम संभावित है, ये जो दोबारा परीक्षा करवाई गई थी, ठीक है, तो नवंबर में किसी भी डेट को आ सकता है, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम सब लोगों को। नेक्स्ट है आपका जो विधान भोग रक्षक इन सब का आया गया है, तो संबंधित विभाग का आयोग की संस्तुति भेजी जानी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो जो भी डिटेल्स होनी है कंटिन्यू देखी जा रही है लगातार, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कनिष्ठ आयोग, ये बीसीएस वाला है, इनके इनका साक्षात्कार है तो और पाए गए प्रकाशन संभावित है परिणाम वाला जो आने वाला है। ये जो आपका युवा खेल कल्याण अधिकारी था, तो ये भी इनकी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह के लिए है, अभ्यर्थी की पूरक सूची का प्रकाशन संभावित है। नेक्स्ट है 16 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हर वीडियो में कमेंट आता है, 2-4-10 स्टूडेंट का हमेशा कमेंट रहता है हर वीडियो में कि सर वीडियो की डीवी कब होने वाली, तो ये देख लीजिए आपको माह नवंबर 2019 में अभिलेखाद के परीक्षण की कार्यवाही संभावित है, मतलब डीबी नवंबर महीने में किसी भी डेट हो सकती है। लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, तभी आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल पाएगी, इंस्टेंट नोटिफिकेशन, और सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने पूरी ऑलरेडी पहले ही बनाया है इसके ऊपर कि क्या क्या डीबी में लगता है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, अदरवाइज इधर उधर आपको दौड़ लगानी रह जाती है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें यह है 21 नंबर पे सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 जो आपकी अभी रिसेंट में है, तो माह नवंबर 2019 में लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन में डाउट्स रहा है, सभी लोगों ने अपना वो सब भेजा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वो सारी डिटेल्स में, अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से वो सारी चीज़ देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी के लिए ये है कि जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं वीडियो तो कम प्रोवाइड कर पाता हूँ लेकिन हैंड रिटन नोट, डेली करंट पर सारी चीज़ें आपको लगातार भेजी जाती है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर किसी भी वैकेंसी का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी का इंस्टेंट अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।